चौतीस की पैंतीस सर थोड़ा फुलाइए 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 <laughs> साढ़े चौतीस लिख हाँ बेटे पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया आता हूँ बेटा सीना चालीस कर दो है? जिम में ज्वाइन कर लिया है ट्वेंटी फोर सेवन बेटे ने अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की और और क्वालिटी एजुकेशन ऐसी आप तैयार होते हैं बैंकिंग टीचिंग एस एस सी जैसे एग्जाम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जॉब हैलो एवरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हमारी क्लास में पीछे दिख ही रहा होगा हम क्या करने वाले हैं तो ऑफकोर्स हॉर्टिकल्चर के एम प्रैक्टिस करने वाले हैं फटाफट सेशन के साथ जुड़िए ताकि हम अपनी क्लास को जो है शुरू कर सके और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और फन लविंग बना सके जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिन लोगों ने अड्डा की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो कब डाउनलोड करोगे भाई फटाफट प्ले स्टोर में जाके अड्डा की ऐप को डाउनलोड कीजिए इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे जॉब अलर्ट्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने को मिलेंगे क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड साथ ही साथ जितना आप ऐप को यूज करते हैं आपको कॉइन्स मिलते हैं उन कॉइन्स को इकट्ठा करते जाइए और जब कोई भी बैच लेना हो तो आप उसमें एनरोल करते टाइम इन को डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं जैसे आपके आजकल मिंत्रा पर भी मिलते हैं, तो अड्डा ने सोचा हम क्यों पीछे रहे हैं? हम भी बच्चों को क्वेंस बांटेंगे तो इन कॉइन्स का यूज जो है आप ऑब्वियसली कर सकते हैं ठीक तो फिर आती है आपकी बैचेस की बारी आप सभी को पता है आपके आई बी बी एस एसओ के एग्जाम की तैयारी जो है लंबी चलती है तो ऑफकोर्स लंबी तैयारी के लिए पहले से एनरोल भी करना पड़ता है तो आप चाहें तो बैचेस में एनरोल कर सकते हैं आई बी पी एस एफ ओ का बैच जो है आपका मेन्स का बैच का प्राइस रहेगा टू थाउजेंड रुपीज मेन्स के बैच का मतलब क्या है मेन्स का बैच यानी कि जिसमें केवल आपका एग्रीकल्चर जो है पढ़ाया जाएगा एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे प्री और मेंस का बैच भी अवेलेबल है तो जैसे आपको अपनी जरूरत हो वैसे आप जो है बैचेस को ले सकते हैं क्लास के लास्ट में हम बैचेस देखेंगे कौन से कौन से बैचेस अवेलेबल है दूसरी तरफ मेरे महापैक है महापैक क्या है एक सब्सक्रिप्शन जैसा है जैसे आप टीवी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया चाहे आई बी की क्लास है चाहे आर आर की क्लास है चाहे एफ की क्लास है चाहे नबार्ड की क्लास है हर क्लास जो है आपको अवेलेबल होगी आप हर क्लास अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें ई नोट्स टेक्स्ट बुक या आपके मोक टेस्ट टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल होता है तो आपको बार बार अपने पैसे जगह जगह वेस्ट नहीं करने पड़ते हैं एक ही बार जो है इन्वेस्टमेंट करने से आपका काम चल जाता है इसका ऑफर प्राइस क्या है इसका ऑफर प्राइस है सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन रुपीज फॉर वन ईयर एक साल की आपको इसमें सब्सक्रिप्शन मिलती है राइट right? इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा और कोड क्या है कोड है वाई फोर फोर एट ए चार प्लस चार आठ होते हैं ए फॉर एग्रीकल्चर होता है ठीक चलिए चलते हैं आप डायरेक्टली अपनी क्विज पर तो आज जो है हमारी स्लाइड हो गई है रंग बिरंगा मैंने कहा भैया बहुत बोरिंग हो गया बच्चे बोर हो गए होंगे लेट्स हैव सम तो आज मैंने आप लोगों के लिए पीछे बहुत सारे फ्रूट्स लगा कर रखे हैं क्योंकि भैया हॉर्टिकल्चर की क्लास है पता लगना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर की क्लास है तो चलिए अब फटाफट सेशन को शुरू करते हैं और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है विच फ्रूट इज रिच इन सिट्रिक एसिड कौन सा फ्रूट है जो सिट्रिक एसिड से भरपूर होता है कौन सा फ्रूट है वो जो सिट्रिक एसिड से भरपूर होता है एंड आंसर विल बी आंसर क्या होगा सी यानी कि पियर पियर में जो है सिट्रिक एसिड सबसे ज्यादा होता है इन फ्रूट्स में से ठीक है जो एवेलेबल फ्रूट्स हैं इनमें सबसे ज्यादा जो है सिट्रिक एसिड पियर में मिलता है सो so, आंसर क्या होगा सी जो है आपका आंसर होगा पियर क्या होता है पियर यानी कि हम यहाँ पर तो बबू गोशा बोलते हैं हम लोग आप लोग पता नहीं हम क्या बोलते हो कुछ लोग नाक भी बोलते हैं बेसिकली इस शेप का जो होता है इसको पियर बोला जाता है ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर टू पाइनएप्पल इज विच काइंड ऑफ फ्रूट पाइन एप्पल किस तरीके का फ्रूट है देखिए आपके फ्रूट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें पाइनएप्पल किस तरीके का फ्रूट है सोरोसिस कैप्स्यूल सिंकोनस और ड्रूप किस टाइप का फ्रूट है पाइनएप्पल का फ्रूट सेरोसिस टाइप का है कैप्स्यूल टाइप का है सिंकोनस टाइप का है या फिर ड्रूप टाइप का है आंसर क्या होगा आंसर होगा सोरोसिस कैसे टाइप का है सोरोसिस टाइप का है ठीक है तो ये हमारा पाइन का फ्रूट है और इसको हम क्या कहते हैं सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर तीसरा क्वेश्चन क्या है विच वन इज नॉट अ बेरी फ्रूट इनमें से कौन सा जो है बेरी फ्रूट नहीं है ठीक है तो बहुत सारी बेरीज़ हमने कही है स्ट्रॉबेरी रास्बेरी करंट बेरी ब्लैक करंट बहुत सारी बेरीज है, तो सा है जो बेरी नहीं है बनाना पाइन सपोटा या बेल इनमें से कौन सा फ्रूट है जो बेरी में काउंट नहीं होता है ठीक है तो ये भी टाइप्स ऑफ फ्रूट में आता है तो देखिए अगर नॉर्मल इंसान कोई इसमें टिक लगाएगा तो वो क्या लगाएगा बनाना को टिक लगाएगा है ना मैं भी अगर नॉर्मल इंसान होती अब नॉर्मल नहीं हूं वैसे मैं तो अगर मैं नॉर्मल इंसान होती तो मैं भी बनाना को ही लगाती लेकिन बनाना विल नॉट बी द राइट आंसर क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं हमें पता है कि बनाना क्या है बेरी टाइप ऑफ फ्रूट होता है ठीक है बनाना भी बेरी टाइप ऑफ फ्रूट है यानी कि बैरी टाइप ऑफ फ्रूट कौन से होते हैं जिसमें छोटे छोटे सीड जो है पूरे फ्रूट में फैले हुए होते हैं ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स होते हैं ये बेरी टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं ठीक है तो आंसर क्या होगा आपका बेल बेल जो है आपका इसमें आंसर होगा बेल को बेरी टाइप फ्रूट में काउंट नहीं किया जाता है ठीक चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं विच वन इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट इनमें से कौन सा जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है पाइन बेर अनोना और लीची विच वन ऑफ देम इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं जो पेड़ से गिरने के बाद डिटैच होने के बाद भी पक जाते हैं उनको क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं जो नहीं पकते हैं उनको नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं तो इनमें से कौन सा जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है क्लाइमेट्रिक फ्रूट इज अनोना अनोना तो अनोना किसे कहते हैं मुझे भी नहीं पता था मैंने भी यहीं से सर्च करके तुम्हारे लिए निकाला कि जब मुझे नहीं पता हो सकता मेरे जैसे और भी लोगों जिन्हें ना पता हो कि अनोना क्या होता है तो अनोना जो है कस्टर्ड एप्पल को कहते हैं ठीक है थेके? कस्टर्ड एप्पल को अनोना कहा जाता है या फिर आप इसको सीताफल के नाम से भी जानते होंगे कई जगह पर इसको सीताफल भी कहा जाता है ठीक है तो दिस कस्टर्ड एप्पल और अनोना और सीताफल वट यू वांट टू से ये एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है साथ ही साथ ये क्या है ये एक एग्रीगेट फ्रूट भी है एग्रीगेट फ्रूट यानी कि वो फ्रूट जो बहुत सारी ओवरीज से मिलकर बनता है उसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं तो ये जो कस्टर्ड एप्पल है ये एक एग्रीगेट फ्रूट में भी आता है राइट right? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है विच फ्रूट शोज ड्यूओ इनमें से कौन सा फ्रूट है जो ड्यूओकोगैमी शो करता है क्वेश्चन यही उठा था मेरे दिमाग में भी डिओ किसे कहते हैं देखिए बहुत ही रेयर प्लांट्स होते हैं जिनमें ड्यूओ डाइकोगामी होती है ड्यूओ डाइकोगामी का क्या, क्या मतलब है इसमें एक बार तो मेल फ्रूट आ, मेल आ, फ्लावर्स आते हैं अगले साल जब आप इसको बोएंगे तो इसमें फीमेल फ्लावर्स आएंगे फिर अगले साल जब आप इसको बोएंगे तो इसमें फिर से मेल फ्लावर्स आएंगे तो सेम चीज है लेकिन साल दर साल जो है इसके फ्लावर टाइप बदलते हैं एक बार इसमें मेल फ्लावर आते हैं एक बार इसमें फीमेल फ्लावर आते हैं ऐसे प्लांट्स को इसको क्या कहा जाता है ड्यूओ डोगी कहा जाता है तो ड्यूओ किस किसमें प्रेजेंट होती है आवरकैडो चेस्टनट पीकानट कैशूनट आवरकैडो चेस्टनट पीकानट किस में जो है ड्यूओकोगामी प्रेजेंट होती है तो आंसर क्या है बी जो है आपका आंसर है चेस्ट नट ठीक है चेस्ट नट में ड्यूओ प्रेजेंट होती है इसको याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रेयर बहुत ही कम जो है ये ऐसे पाया जाता है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कीवी फ्रूट अब कीवी फ्रूट आई गेस सभी लोगों को पसंद होगा है ना मुझे तो बहुत पसंद है खट्टा खट्टा फ्रूट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ओटो ऑक्टाप्लॉयड ओटो हेक्साप्लॉइड एलो ऑक्टाप्लॉइड या एलो हेक्साप्लॉइड देखिए ये तो हमें समझ आ गया है कि कीवी फ्रूट जो है पॉलीप्लॉइड है या तो हेग्जाप्लॉयड है या तो एक्टाप्लॉयड है थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन सा है ओटो हेक्साप्लॉइड का मतलब है कि उसी का जो जीनोम है, उसी के जो जीन्स हैं, वो मल्टीप्लाई हो गए हैं तो उसको कहते हैं ओटो ठीक है auto, लेकिन अगर वो जीन्स या जीनोम जो है पूरा बाहर से आया है तो उसे कहते हैं एलो ठीक है तो अगर वो पूरा जीनोम सेट बाहर से किसी स्पीशीज से इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको एलो एग्जेप्लॉड या एलो ऑक्टेप्लॉड बोलेंगे अगर उसी स्पीशी का अपने आप में रिपीट हुआ है तो उसे ओटो हेक्सप्लॉइड या ओटो जो है ऑक्टाप्लॉइड बोलेंगे तो कीवी इनमें से क्या है कीवी ओटो हेक्सप्लॉइड है यानी की कि कीवी का खुद का जिनोम छह बार मल्टीप्लाई हो जाता है एक सेल में एक सेल में छह कॉपीज प्रेजेंट होती है एक ही क्रोमोजोम की इसे ओटो हेक्सप्लॉइड कहा जाता है सो सी विल बी योर आंसर चलिए इसी तरीके से हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर विच सिट्रस फ्रूट इज फ्रॉम न्यू वर्ल्ड कौन सा सिट्रस फ्रूट है जो न्यू वर्ल्ड से बिलोंग करता है ग्रेप फ्रूट लाइम स्वीट ऑरेंज और प्यूमेलो इनमें से कौन सा जो है सिट्रस फ्रूट है यानी कि खट्टे फ्रूट्स में आता है जो न्यू वर्ल्ड से बिलोंग करता है आंसर so क्या होगा प्यूमेलो यही हमने नहीं सुना था तो यही जो है नई जनरेशन का फ्रूट है प्यूमेलो जो है आपका इसमें सही जवाब होगा ठीक है तो यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्यूमेलो जो है इसका सही जवाब होगा सिट्रस फ्रूट विच बिलोंग्स टू न्यू वर्ल्ड इज प्यूमेलो ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन मनलीस बाथरूम फ्रूट किस फ्रूट को बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है बनाना कीवी गवा मैंगो बनाना कीवी गवा मैंगो किस फ्रूट को बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है आंसर टू दिस क्वेश्चन विल भी क्या होगा इसका आंसर बाथरूम फ्रूट मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना था तुम्हारे साथ साथ मेरी भी हॉर्टिकल्चर थोड़े टाइम बाद अच्छी हो जाएगी राइट तो बाथरूम फ्रूट किसे कहते हैं मैंगो को कहते हैं मैंगो विल बी द राइट आंसर डी ठीक है तो मैंने इसका अंदाजा कुछ ऐसे ही लगाया कि मैंगो को हमें थोड़ा मैसे तरीके से खाना पड़ता है ना हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं हमारा फेस गंदा हो जाता है सो वी हैव टू रश टू द बाथरूम हमें बाथरूम जाना पड़ता है हाथ धोने पड़ते हैं मुंह धोना पड़ता है तो आई थिंक इसीलिए इसको बाथरूम फ्रूट कहते होंगे बाकी जिसने बताया वह, बनाया वही बता सकता है मेरा लॉजिक तो यही है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच फ्रूट इज नोन एज चाइनीज गूजबेरी किस फ्रूट को चाइनीज गूजबेरी के नाम से जाना जाता है फिग कीवी कीवी आंवला आंवला स्ट्रॉबेरी फिग और स्ट्रॉबेरी किस फ्रूट को जो है चाइनीज गूजबेरी के नाम से जाना जाता है तो चाइनीज गूजबेरी के नाम से हम किसे जानते हैं कीवी को कीवी फ्रूट को चाइनीज गूजबेरी के नाम से जाना जाता है इसका सेंटर ऑफ ऑरिजिन भी चाइना ही है यानी कि ये चाइना से बिलोंग करना है चाइनीज आइटम है ठीक है इंडियन गूजबेरी किसे कहते हैं इंडियन गूजबेरी इंडियन गूजबेरी कहा जाता है आंवला को राइट इंडियन गूजबेरी इज आंवला तो ये याद रखना है इंडियन गूजबेरी किसको कहते हैं आंवला को कहते हैं चाइनीज गूजबेरी किसको कहते हैं किस है? कीवी को कहते हैं चलिए अगला क्वेश्चन विच फ्रूट इज नोन एज जापानीज़ मेडलर किस फ्रूट को जापानीज मेडलर कहा जाता है जापानीज़ मेडलर किस फ्रूट को कहा जाएगा पीच प्लम लोकट या क्विंस इनमें से कौन सा फ्रूट है जो जापनीज मेडलर के नाम से जाना जाता है अभी मैं मेडलर की जगह पेडलर कहने वाली थी है ना वैसे पेडलर क्या होता है आप सभी को पता है जो लोग पैदल चलते हैं उनको पैडलर्स कहते हैं सिंपल सी बात है है ना तो चलिए आंसर इज लोकट लोकट को जो है जापनीज मेडलर के नाम से जाना जाता है सो सी विल बी द आंसर कट प्रोपोगेशन मेथड इन कैश्यू नट में प्रोपगेशन मेथड क्या रहेगा सॉफ्टवुड कटिंग हार्डवुड कटिंग सीडलिंग या फिर पैच बडिंग प्रोपरेशन प्रोपगेशन मेथड ऑफ कैश्यू नट यानी कि काजू काजू को प्रोपोगेशन मेथड के लिए क्या कौन सा मेथड यूज किया जाता है सॉफ्टवुड कटिंग यूज की जाती है हार्डवुड कटिंग यूज की जाती है सीडलिंग यूज किया जाता है या पैच बर्डिंग यूज किया जाता है। आंसर विल बी सॉफ्ट वुड कटिंग सॉफ्ट वुड कटिंग जो है यूज की जाती है कैशूनट की प्रोपगेशन के लिए तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं क्या होती है ये वुड कटिंग तो देखिए जैसे आपकी ये ब्रांच है, है ना तो आप देखेंगे कि ब्रांच नीचे से मोटी होती है वुडी होती है ऊपर जाते जाते ग्रीन और पतली होती रहती है राइट तो जब आप ग्रीन वुड को काटते हैं टेंडर वुड को काटते हैं आ, उसके लिए प्रोपगेशन के लिए तो इसे वुड कहा जाता है है ना थोड़ी हरी है लेकिन थोड़ी आ, मतलब डिफिकल्ट हो गई है थोड़ी हार्ड हो गई है तो उसको सेमी हार्ड वुड कटिंग बोलते हैं बिल्कुल अगर यहां से कटिंग की जाती है तो इसे हार्डवुड कटिंग कहते हैं यानी कि देखिए सेम ब्रांच है जहां से वो जितनी पकी हुई है बिल्कुल 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 जो है है यहां से से लेंगे जहां पकी हुई वुडी बनी हुई है तो इसे हार्डवुड कटिंग कहते हैं बीच से लेंगे तो सेमी हार्डवुड कहते हैं बिल्कुल ऊपर टिप से लेंगे तो इसको सॉफ्ट वुड कटिंग कहा जाता है ठीक है तो ये जो है सॉफ्टवुड हार्डवुड और सेमी हार्डवुड कटिंग बेसिकली पोजीशन के बेसिस पर होती है ठीक चलिए देन इनफ्लोरेसेंस ऑफ अरेका नट अरेका नट यानी कि सुपारी सुपारी की इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है इनफ्लोरेसेंस पहले तो क्या होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स क्या होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स तो आप कहेंगे मैम ग्रुप ऑफ फ्लावर्स तो बुके में भी होते हैं लेकिन उसको इनफ्लोरसेंस नहीं कहते प्लांट के ऊपर जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर किस डिजाइन में अरेंज है उसको इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है तो अरेका नट यानी कि सुपारी के फूलों का अरेंजमेंट कैसा होता है स्पेडिक्स टाइप होता है कॉरियम्ब टाइप होता है सॉलिट्री टाइप होता है या पैनिकल टाइप होता है सोलिट्री टाइप यानी कि अकेला रहेगा तो उसको सोलिट्री टाइप कहते हैं पैनिकल जैसे कि पर्ल मिलेट का पैनिकल होता है ठीक है कॉरियम टाइप होगा या स्पेडिक्स टाइप होगा तो अरेका नट यानी कि सुपारी का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा होगा स्पेडिक्स टाइप का होगा ए विल बी द आंसर स्पेडिक्स ठीक है तो स्पेडिक्स टाइप का जो है इसका इन्फ्लोरसेंस होता है अब पूछिए मैम ये स्पेडिक्स टाइप कैसा होता है तो अभी दिखा देते स्पेडिक्स टाइप कैसा होता है ठीक तो ये देखिए ये स्पेडिक्स टाइप का फ्लावर होता है जिसमें यहाँ पर तो ये एक कोपल जैसा बीच में निकला हुआ होता है और पीछे इसके जो है पूरी एक पेटल होती है जिसको स्पेथ कहा जाता है ठीक है तो ये जो फ्लावर टाइप है ये है स्पेडिक्स टाइप फ्लावर ठीक है ये फ्लावर ठीक है जिसमें सारे फ्लावर देखिए यहां से सब जो है जुड़े हुए हैं और ये पूरा एक लाइन में ऊपर अरेंज होता है इसको कहते हैं कॉरियम क्या कहते हैं कोरियम और पैनिकल इस तरीके का होता है जो एक ही डंडी पर जो है इधर उधर जुड़ा हुआ होता है तो इसको कहते हैं पैनिकल तो ये तीनों टाइप के फ्लावर आप यहां देख सकते हैं स्पेडिक्स टाइप कोरियम टाइप पैनिकल टाइप ठीक चलिए चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर विच इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन ईडेबल पार्ट ऑफ बनैना बनाना यानी कि केला केला का ईडेबल पार्ट कौन सा होता है एंडोकार्प मेजोकार्प पेरी कार्प या फिर बोथ ए एंड बी बनाना का ईडेबल पार्ट कौन सा होता है खाने वाला पार्ट कौन सा होता है मेजोकार्प होता है एंडोकार्प होता है पेरी कार्प होता है या बोथ ए एंड बी विल बी बी बोथ ए एंड यानी कि एंडो एंड मीजो कार्प दोनों को हम खाते हैं और एपी कार्प यानी कि ऊपर के छिलके को हम उतार देते हैं जो एपीकार्प का बना हुआ होता है अंदर एंडो कार्प और आपका मीजो कार्प जो है हम खा लेते हैं तो ये इडिबल पार्ट में आते हैं राइट वेराइटी यूज एज पॉलिनाइजर इन मैंगो कौन सी वेराइटी है जो एज अ पॉलिनाइजर यूज की जाती है मैंगो में तो पोलिनाइजर का क्या मतलब है वो वैरायटी जो फूलों को पोलन प्रोड्यूस करे यानी कि ज्यादा पोल बनाए और और जो प्लांट्स हैं उनको में जो है पोलन का अवेलेबिलिटी करवाए उनको पोलन डोनेट करे या पोलन की अवेलेबिलिटी करवाए तो इसको हम कहते हैं ये पोलिनाइजर है ये सबको पोलन दे रहा है तो मैंगो में किस वैरायटी का यूज किया जाता है ताकि पॉलिनाइजर के तौर पर ताकि फर्टिलाइजेशन जो है अच्छा हो फ्रूट सेटिंग अच्छी हो तो पॉलिनाइजर के तौर पर जो है बॉम्बे ग्रीन को यूज किया जाता है बॉम्बे ग्रीन बॉम्बे ग्रीन को यूज किया जाता है एज अ पॉलिनाइजर तो बॉम्बे वेरी फेमस है, है ना तो मुंबई बॉम्बे जो भी है तो बॉम्बे इज वेरी फेमस तो बॉम्बे को यूज किया जाता है एज अ पॉलिनाइजर इन मैंगो यानी कि आम में पॉलिनाइजर का यूज बॉम्बे ग्रीन करता है एप्पल शेप वेराइटी ऑफ मैंगो ऐसी कौन सी वेराइटी है मैंगो की मैंगो वैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है मुझे तो बड़ा पसंद है एप्पल शेप वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी होती है रोसिका रुमानी तोतापुरी या टोमी एटकिन कौन सी वैरायटी है मैंगो की जिसकी शेप जो है एप्पल जैसी होती है जैसी आप यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं है ना जनरली हम आम कैसा बनाते हैं ऐसा बनाते हैं भाई मैं तो ऐसा ही बनाती थी बचपन में ठीक है लेकिन ये ऐसा ना होकर एप्पल शेप का थोड़ा राउंड राउंड शेप का होता है तो ये कौन सी वेराइटी होती है ये वेराइटी होती है रुमानी कौन सी वेराइटी होती है रुमानी वेराइटी होती है जिसमें एप्पल टाइप ऑफ मैंगो देखने को मिलते हैं यानी कि देखने में एप्पल खाने में मैंगो तो जिसको एप्पल और मैंगो पसंद हो वही रुमानी वेरायटी खा लीजिएगा ठीक है सुटेबल टेम्परेचर फॉर बनाना बनाना के लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या है उसे किस टेम्परेचर में रहना पसंद है 17 से 20 डिग्री सेल्सियस 20 से 30 डिग्री सेल्सियस 30 से 34 डिग्री सेल्सियस या 8 से 15 डिग्री सेल्सियस तो बनाना को कैसे टेम्परेचर में रहना पसंद है सुटेबल टेम्परेचर फॉर बनाना इज तो सुटेबल टेम्परेचर बनाना के लिए क्या होता है 20 से 30 डिग्री ज्यादातर क्रॉप इसी में रूम के आसपास ठीक है तो 20 से 30 डिग्री इसके लिए अच्छा टेम्परेचर रहता है इसको पसंद आता है ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी हमारी बनाना को पसंद नहीं है इसीलिए बनाना जो है ज्यादातर साउथ में होती है क्योंकि साउथ में ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है तो बनाना ज्यादातर साउथ से ही नॉर्थ इंडिया में जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन अमृत सागर इज अ कल्टीवार ऑफ अमृत सागर किसका कल्टीवार है किसकी वैरायटी है मैंगो बेल बनाना, गवावा अमृत सागर इनमें से किसकी वैरायटी है मैंगो की है बेल की है बनाना की है या गवा की है तो अमृत सागर इनमें से किस से बिलोंग करती है अमृत सागर इनमें से बिलोंग करती है सी यानी कि बनाना से तो बनाना से ही हमारी अमृत सागर बिलोंग करती है सो सी विल बी योर आंसर चलिए एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन पपाया पपाया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है पपाया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है इसका आंसर तो सभी को आता होगा पेपेन कैप्रिन या बना बनाना नहीं पपाया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है तो पपाया में पैपेन प्रेजेंट होता है कौन सा प्रेजेंट होता है पैपेन और ये पैपेन जो है किस से बना हुआ होता है प्रोटीन से बना हुआ होता है एंजाइम ज्यादातर वैसे प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं ठीक है तो एंजाइम प्रेजेंट इन द रॉ पपाया रॉ पपाया में ये ज्यादा प्रेजेंट होता है रॉ पपाया नहीं खाना चाहिए स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स ये अच्छा नहीं होता तो इसीलिए उनको मना किया जाता है कि पपाया नहीं खाना है बाकी आप अगर रॉ पपाया नहीं खाने को कहा जाता है पूरा पका हुआ प्पाया कभी नुकसान नहीं करता है आप इसको खा सकते हैं इट्स जो टीवीओ में दिखाते हैं कि एक बार पपाया खाया नहीं कि वो चल पड़ते हैं हॉस्पिटल ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है तो रॉ पपाया से जो है पेपेन इसमें होता है विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ लेकिन आ, जो हमारा पका हुआ पपाया होता है उसमें पेपेन कम होता है बहुत कम मात्रा में होता है हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है एंड एवरीबडी कैन इट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है चलिए अगला क्वेश्चन एडम्स एप्पल इज एन इम्पॉर्टेंट रूट रूट स्टॉक ऑफ एडम्स एप्पल ठीक है तो एडम्स एप्पल का रूट स्टॉक क्या है ये किसका रूट स्टॉक है सॉरी एप्पल का फिग का सपोटा का या आलमंड का यानी कि बादाम का चीकू सपोटा इज चीकू ठीक है फिग तो फिग ही रहेगा ठीक है तो एडम्स एप्पल इनमें से किसका इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है एडम्स एप्पल इनमें से किसका रूट स्टॉक है एप्पल का रूट स्टॉक है ठीक है तो एडम्स एप्पल जो है एप्पल का ही रूट स्टॉक है एडम्स फिग किसको कहा जाता है एडम्स फिग बनाना को कहा जाता है ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ऐसे ही साथ साथ रिविजन भी हो जाएगी है ना एडम्स फिग जो है बनाना को कहा जाता है और एडम्स एप्पल किसका रूट स्टॉक है एप्पल का रूट स्टॉक है चलिए अगला क्वेश्चन पपाया इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय पपाया किससे जो है कमर्शियली कल्टिवेट uh, की जाती है प्रोपगेट की जाती है सॉफ्ट वुड कटिंग सीड पैच बडिंग या फिर ग्राफ्टिंग पपाया यानी कि uh, पपीता पपीता को सॉफ्टवुड कटिंग से जो है प्रोपगेट किया जाता है यानी कि उसका जो है रिप्रोडक्शन किया जाता है सीड से किया जाता है पैच बर्डिंग से किया जाता है या ग्राफ्टिंग से किया जाता है तो देखिए पपाया का जो प्रोपोगेशन है वो सीड से ही किया जाता है और इसके सीड आप अपने गार्डन में डाल लीजिए बहुत इजीली पपाया के पेड़ उग जाते हैं तो पपाया का प्रोपोगेशन जो है सीड से किया जाता है अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये पैच बर्डिंग क्या है ग्राफ्टिंग क्या है है ना तो इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं जिसमें हम दो अलग अलग जो है रूट स्टॉक और ये लेते हैं ऊपर का और इसको हम ऐसे स्लाइस में काट देते हैं और दूसरा लाकर हम जो है इस पर लगा देते हैं और उसको बांध देते हैं तो ये जो है ग्राफ्टिंग होती है वही पैच बडिंग क्या है पैच बडिंग में हम पूरी पूरी स्टेम को ऐसे नहीं करते उस स्टेम पर ऐसे पैच लगाते हैं कोई भी लाइव बर्ड है वो वहां पर अटैच करते हैं और उसको वहां पर ही जो है बांध देते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि वह वहां अटैच हो जाए और वहां से जो है नए नए फूल पत्तियां निकले ठीक है तो so आज के लिए इतना ही बहुत ही छोटी बहुत ही सिंपल प्यारी सी आज की हमारी क्लास थी मुझे तो आज की क्लास में काफी काफी मजा आया है ना होपफुली आप सभी को भी मजा आया होगा तो क्लास में अगर मजा आया है क्लास पसंद आई है तो क्लास को फटाफट से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए तो चलिए एक बार देखते हैं अड्डा की साइड पर क्या क्या हमारे बैचेस किस किसमें हमें एनरोल करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए तो चलिए चलते हैं एक बारी अड्डा की अपनी साइट पर ठीक है तो जैसे ही आप अपना जो है क्रॉम खोलेंगे गूगल बाबा खोलेंगे गूगल बाबा में टाइप करना है ए डी डी ए टू फोर सेवन और आपकी साइट जो है पहली ही आएगी ठीक है तो वो इस तरीके की दिखाई देगी राइट तो जैसे ही हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, नीचे जाके हमें एग्रीकल्चर चूज करना है यहां से हमें व्यू ऑल प्रोडक्ट्स करना है आप चाहे एग्रीकल्चर एसओ यानी कि ए के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बैच है ये आपका प्री एंड मेंस का बैच है जिसमें आपका एग्रीकल्चर के साथ साथ इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स भी कवर करवाया जाएगा दूसरी तरफ आपका केवल में, मेंस का बैच है जो केवल एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट जो है इसमें वो कवर किए जाएंगे तो एज पर योर नीड आप देख सकते हैं आपको क्या किसकी जरूरत है दूसरी तरफ आपका एफसीए टेक्निकल का भी इसी तरीके से है प्री मेंस का अलग है केवल मेंस का अलग है और एग्रीकल्चर महापैक जो है एक सब्सक्रिप्शन जैसा यानी कि इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको सारी क्लासेस अवेलेबल होती है विद ई नोट्स टेस्ट बुक एवरीथिंग तो ये आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है ठीक है जैसे ही हम लगेगा कि हमें तो आईबीपीएसएसओ की तैयारी करनी है वी विल ओपन द बैच हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे क्या कुछ है कौन से कौन से सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स एग्रीकल्चर 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 यानी कि हम चार जो आपके संदीप uh, सर हीरा मैम मैं और वर्षा मैम एग्रीकल्चर आपका पोर्शन लेंगे स्टडी प्लान्स यहाँ पर आपके गिवन होते हैं यू कैन क्लिक एंड सी द स्टडी प्लान्स और जो है जब आपको लगे कि यस इट्स गुड फॉर मी हमारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं और हमारी अच्छी तैयारी उनकी हेल्प से हो सकती है सो यू कैन क्लिक ऑन द बाय नाउ जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे एक एक्स्ट्रा विंडो पॉपअप होती है जहां आपको टाइप करना होता है वाई फोर फोर एट जैसे ही आप वाई फोर करके अप्लाई करेंगे तो ये जो है प्राइस आपका रिड्यूस हो जाएगा जहां इसका प्राइस जो है आपको रियल प्राइस क्या है इसका पंद्रह हजार नौ सौ निन्यानवे वही आपको तीन हजार छह सौ रुपए में जो है पड़ेगा ठीक है तो इसी तरीके से आप किसी भी बाश की तैयारी करें जो आ, साइट का जाने का तरीका रहेगा ढूंढने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा ठीक है तो चलिए इसी के लिए हम लेते हैं अपनी क्लास से पूर्ण विराम कल फिर मिलेंगे अपने कुछ और नई क्वेज के साथ तब तक के लिए आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहिए रिवीजन करते रहिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए और बहुत सारी खुशियां दुनिया में बांटिए गुड बाय टेक केयर एंड लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड